अगर आप भी चाहती हैं प्रेगनेंसी तथा बच्चों से जुड़ी हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान, तो सब्सक्राइब करें हेल्पिंग गाइड टीवी को और बगल में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मैं जो भी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्पिंग आई टीवी। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यह काफ़ी खास है उन महिलाओं के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि गर्भ में शिशु की सुरक्षा पूरी की पूरी भगवान के हाथ में होती है। हालांकि कर्तव्य हमें करने होते हैं, लेकिन होता सब कुछ भगवान की मर्जी से ही है। इसलिए आज मैं आपको दुर्गा जी का एक ऐसा पाठ बताने वाली हूँ, जिसे यदि गर्भवती महिलाएँ करती हैं तो उनके बच्चे पर कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती है। यह पाठ नवरात्रि में तो किया ही जाता है, साथ में आप बिना नवरात्रि के भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इसे किसी भी महीने में कर सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। गर्भवती महिला यदि गर्भावस्था के दौरान दुर्गा कवच का पाठ करती है तो माँ और बच्चे दोनों के ऊपर सुरक्षा कवच बन जाता है और कोई भी मुसीबत नहीं आती। यह पाठ नवरात्रि में करना और भी अच्छा होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान नवरात्रि पड़ती है तो ये पाठ बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यह माँ दुर्गा की एक छोटी सी पुस्तिका होती है, जो आसानी से बाज़ार में मिल जाती है। इसे सुबह या शाम किसी भी समय महिलाएं कर सकती हैं, बशर्ते इसे नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर करना चाहिए और साथ में घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा की फ़ोटो रखकर ये पाठ करना चाहिए। नॉर्मल आप घर की जैसे पूजा करते हैं, आप वो पूजा करें और साथ में ये पाठ जरूर करें और मैया से विनती करें कि उन्हें एक स्वस्थ बच्चा दें और आप पर और आपके बच्चे पर कोई भी मुसीबत ना आए। नोट, यह बहुत ही प्रभावशाली पाठ होता है। जैसा कि इसके नाम में ही दुर्गा कवच है, वैसे ही इसका प्रभाव भी होता है। इस कवच को मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान दोनों टाइम पूरी तरह से किया था। ये बहुत ही प्रभावशाली कवच है, आप इसे ज़रूर करें, क्योंकि भगवान के आगे कुछ भी नहीं होता, जो भगवान के करते हैं वही होता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें और ये पाठ करें, सब अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।